जय हिंद दोस्तों, मैं संदेश शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देखेंगे, हम वोट्स की वैल्यूज समझेंगे, हम ये देखेंगे भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है। इस साल 18 जुलाई को हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, 21 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनका जो टेन्योर है वो 24 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। दोस्तों, ये हमारे 16th प्रेसिडेंट बनेंगे जिनके लिए अब वोटिंग होगी। दोस्तों, आर्टिकल 62 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि जो भी करंट प्रेसिडेंट हैं उनका टेन्योर खत्म होने से पहले पहले नए प्रेसिडेंट का चुनाव होना अनिवार्य है। दोस्तों, आर्टिकल 52 ऑफ इंडिया में दिया गया है कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल दिया हुआ है और प्रीएम्बल में ये लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए ट्रिपल एसडीआर। ट्रिपल एसडीआर मतलब सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दोस्तों, जो प्रेसिडेंट का चुनाव है वो रिपब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रिपब्लिक वो देश होते हैं जिनमें जो देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो मुखिया होता है, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होता है। दोस्तों, आपको पता होगा इंग्लैंड में जब हम लोग आज़ाद हुए तब किंग जॉर्ज सिक्स वहाँ पे राजा थे, और 1953 में वहाँ पे रानी बनी क्वीन एलिजाबेथ टू। हम लोग इंग्लैंड से आज़ाद हुए थे, इस तरह से और बहुत सारी कंट्रीज इंग्लैंड से आज़ाद हुई थी, और जो इंग्लैंड से आज़ाद हुए थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। दोस्तों, उनमें से अगर हम यूके की बात छोड़ें तो यूके के अलावा 14 कंट्रीज और ऐसे हैं जिनका कोई इलेक्टेड मुखिया नहीं है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है। उन्होंने इंग्लैंड की महारानी को ही अपनी महारानी माना हुआ, तो एक तरह से वो मोनार्की है। दोस्तों, वो देश हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बिलाइज एटसेट्रा, मतलब इस तरह से 14 कंट्रीज हैं। लेकिन हमारे देश में उस वक्त ही ये सोचा गया कि हम किसी की स्वाधीनता नहीं स्वीकारेंगे किसी भी तरह से, चाहे वो टाइटुलर हेड ही हो, और हमारा देश उस वक्त रिपब्लिक बना। दोस्तों, आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट बताते हैं, उनमें यह कि कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए, वो लोकसभा का इलेक्शन मतलब लोकसभा एमपी के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और उनके पास कोई ऑफिस और प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आर्टिकल 54 जो है वो गाइड करता है रिगार्डिंग कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे होंगे, और इसके आर्टिकल के बेसिस पे एक एक्ट बना है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, और जिसको बाद में जिसमें एड ऑन किया गया 1974 में। दोस्तों, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की सुपरिंटेंडेंस और उसकी सारी जो देख रेख होती है उसका हक दिया हुआ है। दोस्तों, जो हमारे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उनका जो टर्म है वो 5 साल के लिए होता है, हर पाँच साल के बाद में एक नया पर्सन को चुना जाता है जो कि हमारा फर्स्ट सिटीजन चीफ कमांडर ऑफ अवर डिफेंस फोर्सेस एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले तो हम इलेक्शन की बात करते हैं कि करंट इलेक्शन में जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा होंगे, और जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन के अंदर इसमें क्या होता है, इलेक्टर्स होते हैं, वोटर्स हम जिसको बोलते हैं। जब किसी ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन भरना है तो उसके फॉर्म में 50 वोटर्स एज ए प्रपोजर होते हैं,
और 50 वोटर्स के साइन होते हैं एज ए सेकेंडर्स, मतलब 100 लोगों के साइन उसमें होंगे तब वो नॉमिनेशन पेपर एलिजिबल होता है। और एक जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट है वो 4 नॉमिनेशन मैक्सिमम भर सकते हैं, और जिस भी एक वोटर ने एज ए सेकेंडर या एज ए प्रपोजर अपना कहीं भी एक भी फॉर्म पे साइन कर दिया वो दोबारा से साइन नहीं कर सकते। दोस्तों इस इलेक्शन के लिए हर नॉमिनी को 15,000 रुपीज एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है, और यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट से होता है, मतलब आपने किसी को दिखाना नहीं होता कि आपने किसको वोट डाली है। दोस्तों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो व्हिप इशू नहीं कर सकती, मतलब कि वो कोई आदेश नहीं इशू कर सकती, एक बाइंडिंग आदेश अपने पार्टी के MLAs और MPs पे कि वो किसको वोट डालेंगे, तो अपनी स्वेच्छा से वो जिनको चाहे उनको वोट डाल सकते हैं। दोस्तों इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, बेसिकली जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो जो उसका जो सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये वही सिस्टम है जो मैंने राज्यसभा के इलेक्शन में भी समझाया था। राज्यसभा का जो MP होता है वो उसकी वोटिंग उस स्टेट के MLA करते हैं, जो उस स्टेट के MLAs हैं वो उनके लिए वोट करते हैं थ्रू दिस सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। और सेम तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी होता है। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो वोटर एलिजिबिलिटी होती है वो जिसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब कौन कौन वोट कर सकता है। दोस्तों जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो इट इज कंसिस्टेड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड MLAs ऑफ वेरियस स्टेट्स, तो सारे स्टेट के इलेक्टेड MLAs और सारे इलेक्टेड MP, जो नॉमिनेटेड MPs हैं वो इसमें वोट नहीं डाल सकते। दूसरा दोस्तों इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ UT ऑफ पुडुचेरी एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यहाँ पे भी इलेक्टेड MLAs हैं, ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज इन सब का मिल करके बनता है। तो सब वोट कैलकुलेशन कैसे होती है, एक्चुअली हर वोट की, मतलब जैसे MLA है उसने अगर वोट डालना है तो उस वोट की एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम का एक MLA जब वोट डालता है तो उसकी वैल्यू 7 काउंट होती है। इसी तरह से UP का एक MLA जब वोट डालेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो उसकी वोट की वैल्यू 208 होती है। 208 मैक्सिमम है, 7 मिनिमम है, तो सारे स्टेट्स की वेरी करती है, और जब वोट पड़ जाते हैं तो इन सब को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में डिसीजन होता है। इसीलिए UP के जो MLAs हैं उनकी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब वो कैलकुलेट कैसे होती है, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन MLA कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, मान लो यूपी है, यूपी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसके टोटल इलेक्टेड MLAs कितने हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल MLAs एक वैल्यू आ जाती है, देन इट इज मल्टीप्लाई बाई 1/1000। दोस्तों ये जो टोटल पॉपुलेशन ली जाती है ये 1971 में जो सेंसस हुआ, 1971 में जो पॉपुलेशन कैलकुलेशन हुई है उसके हिसाब से लिया जाता है। दोस्तों जो MP की वोट है, इसी तरह हर एक MP की भी टोटल वोट की, मतलब हर MP की एक वोट की कुछ वैल्यू होती है, और वो कैसे निकलती है कि टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल MLA, जैसे हमने हर एक स्टेट के MLA की यहाँ पर वोट की वैल्यू निकाल दी, अब हर एक स्टेट के सारे जो MLAs हैं उनकी जो वोटें हैं उन सब वोट्स की वैल्यूज को टोटल कैलकुलेट किया जाए और उसको डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ MPs कर देते हैं, जब ये निकलता है तो कुछ एक वैल्यू निकलती है, वो वैल्यू होती है MP की। ये फॉर्मूला है बेसिकली, मतलब MLA का कैसे निकलता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई इलेक्टेड MLAs मल्टीप्लाइड बाई 1/1000। MPs की कैसे निकलती है, टोटल वोट ऑफ ऑल MLAs डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सब वैल्यू ऑफ वोट हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि करंट जो इलेक्शन होना है उसमें वोट की वैल्यू क्या है। दोस्तों ये जो हम वैल्यू ऑफ वोट्स की बात कर रहे हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 55(2). दोस्तों जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर MLAs है, मतलब सारे स्टेट्स के सारे MLAs की जो वोट्स की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो है 5,43,221, 5,43,231। टोटल नंबर ऑफ MLAs पूरे देश के सारे स्टेट के देखा जाए तो 4,033 हैं। दोस्तों टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs इज 5,43,200। अब ये डिफरेंस इनमें इसलिए है क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ से MPs तो हैं,
लेकिन वहां से अभी एमएलएज नहीं है, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंस आया, नहीं तो नॉर्मली ये इक्वल होते हैं। और टोटल इलेक्टेड एमपीज आर 776, ये लोकसभा के प्लस राज्यसभा दोनों के एमपी मिलकर के इतनी वैल्यू मिलती है। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टर्स, मतलब इन दोनों को ऐड किया तो आ जाती 10,86,431, और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो है 4809। 4809 मतलब सारे एमएलए जो वोट डाल रहे हैं प्लस सारे एमपी जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं उन सबका कंबाइन है 4809। इतने लोगों ने वोट डालनी है, हालांकि हर एक की वोट की वैल्यू अलग है। दोस्तों अब अगर हम वोट ऑफ एमपी निकालें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो मैंने बताया था कि जो जितनी भी टोटल वोट्स हैं एमएलए की 5,43,231, इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ एमपी से, तो ये आ जाती 700। मतलब जब भी एक एमपी किसी प्रेसिडेंट को अपनी वोट डालेगा तो उस प्रेसिडेंट को 700 अंक मिलेंगे। अब दोस्तों हम एक एग्जांपल समझते हैं कि जो पंजाब है, पंजाब में टोटल एमएलएज हैं 117 और टोटल पॉपुलेशन 1971 सेंसस के हिसाब से 1,35,51,060 है। तो इस पॉपुलेशन को टोटल एमएलए से डिवाइड करके इंटू 1/1000 करते हैं, मतलब 1000 से फिर डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल वैल्यू आती है 116। तो पंजाब के एमएलए की 116, इसी तरह हम हरियाणा की, राजस्थान की, केरल की, सब जगह की ये वोट्स हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि यूपी के एमएलए की 208 है और सिक्किम की 07 है, ये सबसे कम है। दोस्तों अब ये जो इलेक्शन होता है, जो वोटिंग होती है, ये होती है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि एक बैलेट पेपर इस तरह से मिलेगा दोस्तों, और इसके अंदर यहाँ पर ये कैंडिडेट के नाम होंगे, जैसे कैंडिडेट ए, ये कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी। दोस्तों अब इस तरह से ये खाली बैलेट पेपर मिलता है हर एक इलेक्टर को, हर एक एमएलए को और हर एक एमपी को। उसने इस खाली जगह में अपना प्रेफरेंस भरना होता है। मान लो बी को 1 भरा, ए को 2 भर दिया, इसको 3 भर दिया। अब यहाँ पर रूल क्या है कि ये सारे की सारे जो बैलेट बॉक्स में जाएंगे ये सीक्रेट बैलेट से जाते हैं दोस्तों। अब इस रूल में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रूल क्या कहता है कि कोई भी वोटर इसके अंदर जितने मर्जी प्रेफरेंस डाल सकता है, चाहे वो तीनों डाले चाहे दो को डाले, पर एक डालना बहुत जरूरी है। किसी को भी एक प्रेफरेंस डालनी जरूरी है, अगर उसने एक भी प्रेफरेंस नहीं मार्क की तो ये वोट कैंसिल हो जाती है दोस्तों। दोस्तों दूसरी चीज कि जो मार्किंग है इसमें, ये जो 1, 2, 3 लिखना है, ये अपने पेन से नहीं मार्क करना, जहां भी वोट होगी, मान लो पार्लियामेंट हाउस में वोट हो रही है जहां पे एमपीज वोट डाल रहे हैं, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वोटें पड़ती हैं तो वहां पे एमएलएज वोट डालते हैं, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है। वो इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव जो भी वोटर है उससे उसके पास जो भी पेन है वो ले लेता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन द्वारा एक सैंक्शन नंबर्ड पेन उनको दिया जाता है जिस इंक से ये मार्किंग होती है, और अगर इस इंक में कोई डिफरेंस आता है तो भी ये वोट कैंसिल हो जाती है। दोस्तों अब इसमें डिसाइड कैसे किया जाता है कि कौन विनर है। दोस्तों जैसे टोटल नंबर ऑफ वोट्स है डिवाइडेड बाय हम 2 करते हैं तो ये हो गया 50%। जितने भी टोटल वैल्यू है सबकी मिलाकर के एमएलएज और एमपीज की, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो 50% आया था, उसके अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं, तो जिसके पास भी इतनी कम से कम वोट्स आ गई वो पर्सन एज ए प्रेसिडेंट हो जाता है। हम मान के चलते हैं कि जितनी भी आज की डेट में टोटल वोट्स हैं वो पड़ती हैं और सारी वैल्यू वैलिड होते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, प्लस 1 करते हैं, तो 5,43,216 होती हैं। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, ये हमने जैसे बैलेट पेपर लिया और बैलेट पेपर के अंदर जो हमारे कैंडिडेट्स थे ए बी एंड सी, मान लो ये ए है, ये बी है एंड ये सी कैंडिडेट है। अब इसमें 1 था, 2 था और 3 इस तरह से मिला। दोस्तों जिनको भी फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है उन सबके अगेंस्ट उन टोटल वोट्स को काउंट कर लिया जाता है, जिन जिन वोट्स में 1 मिली है, फिर उनकी वैल्यूज निकाल करके इनके अगेंस्ट लिख दिया जाता है। जिस भी पर्सन को अगर पहले राउंड में ही किसी को 5,43,216 वोट्स मिल गई तो इसको इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है। अगर नहीं मिली तो क्या होगा, फिर ये देखेंगे कि उस काउंटिंग में किसके सबसे नंबर वैल्यू ऑफ वोट्स हैं,
जिसकी सबसे कम होगी, मान लो इसकी आती है सबसे कम, तो इसको आउट कर दिया जाता है, और इसके जितनी भी बैलेट पेपर इसके पास थे या इसके नाम पे फर्स्ट प्रेफरेंस पे गए थे, इसका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस हिसाब से, फिर दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं, जिसको भी इतनी वोट्स सबसे पहले मिलती हैं ही बिकम्स द विनर। दोस्तों करंट स्टेट में, आज की डेट में अगर हम देखें तो जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है उसके पास टोटल वोट काउंट 5,26,000 है, चाहिए कितना 5,43,216, 17,216 वोट्स की कमी है दोस्तों सिर्फ। और इनके एक्सटर्नल सपोर्टिंग पार्टीज हैं जैसे कि बीजेडी है, YSRCP है, AIADMK हैं, 31,000, 43,000, 15,000, इनमें से कुछ भी वोट्स है तो उनका जो कैंडिडेट है उसके जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है दोस्तों। तो ये थी सारी कैलकुलेशन दोस्तों। पर्सनली अगर देखा जाए तो क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी सबसे रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि ये सबको मिलजुल करके एक कंसेंसस कैंडिडेट को जिताना चाहिए रादर देन कि उसमें इलेक्शन या इलेक्शन का मुद्दा बने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कैलकुलेशन समझ आई होगी, आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद।